वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियो से नोटिफिकेशन से मिलते रहे। तो यार इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। या तो कोई बात करनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, कोई लिंक वगैरह भेजना हो तो आप वहाँ पर हमें भेज सकते हैं। तो मेरा नाम वजाहत है, मैं हूँ बशीर। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड है, बहुत ज्यादा यार हमें लोग बोल रहे थे स्प्रेड किया जाए। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत की इस रॉकेट फोर्स के बारे में जानकर अमेरिका भी हैरान है। मतलब जैसे कि आपको पता है भारत ने एक रॉकेट फोर्स बनाई है स्पेशली न्यू लॉन्च की है ना? मतलब हाँ रॉकेट फोर्स। अब जो मतलब एक देखें एयरफोर्स होती है, मतलब नेवी होती है, फिर उसके बाद आर्मी होती है, तो ये रॉकेट फोर्स एडिशन हुआ। तो अब देखते हैं किस टाइप की फोर्स है जिसको देकर अमेरिका तक परेशान भी है। तो देखते हैं बिना किसी देरी के ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंट ऑन करते हैं स्टार्ट। भारत में कई प्रकार के स्पेशल फोर्सेस मौजूद हैं, जहां SSF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का काम युद्ध के समय दुश्मन के इलाके में घात लगाकर हमला करना और उसे कमजोर करना होता है। तो वहीं भारत का सबसे घातक और सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स यानी SSF का काम दुश्मन के इलाकों में घुसकर करारा जवाब और सर्जिकल स्ट्राइक करना है। और भी स्पेशल फोर्स हैं भारत के पास, जिनके पास किसी भी परिस्थिति में देश को दुश्मन से बचाने की जिम्मेदारी है। मगर हम सबको पता है कि दुश्मन भी लगातार अपने आप को शक्तिशाली और घातक बनाने में लगा हुआ है। इसलिए भारत को भी अपने हथियार, अपनी मिसाइल, अपने स्पेशल फोर्सेज की शक्तियों को और अधिक बढ़ाना होगा। और यही वजह है कि भारत अपने सैन्य बेड़े में एक और स्पेशल फोर्स जोड़ने वाला है, जिसका नाम होगा रॉकेट फोर्स। यह रॉकेट फोर्स अपने आप में इतनी शक्तिशाली और इतनी खतरनाक होगी, चाहे तो अपनी शक्ति से एक पूरे के पूरे देश के नामो निशान को मिटा सकने में सक्षम होगी। इस स्पेशल फोर्स को खासकर चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में भारत के इस रॉकेट फोर्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर यह स्पेशल फोर्स युद्ध के समय अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किस प्रकार करेगी और यह कितना शक्तिशाली होगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। CDS विपिन रावत ने बुधवार को भारत की वायु शक्ति को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए उपायों का जिक्र करते हुए कहा कि देश रॉकेट फोर्स तैयार करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने उत्तरी सीमाओं पर चीन के आक्रामक रुख को रेखांकित करते हुए कहा कि चाहे प्रत्यक्ष आक्रामकता हो या तकनीक के जरिए कोई हमला, हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों अब सवाल यह है कि भारतीय सेना में शामिल होने वाली रॉकेट फोर्स कितनी शक्तिशाली होगी और इस स्पेशल फोर्स का काम क्या होगा। दोस्तों शायद आपको जानकर यह हैरानी होगी कि भविष्य का युद्ध भारत चीन 1962 युद्ध या फिर भारत पाक 1971 या 1999 जैसा युद्ध बिल्कुल भी नहीं होगा। भविष्य का युद्ध अब पहले से ज्यादा खतरनाक और पहले से ज्यादा खर्चीला होगा। और मिसाइलें मौजूद हैं जिनसे हमारे सैनिकों के जान का खतरा काफी बढ़ गया है। ऐसे में अगर दुश्मन अपने रॉकेट या मिसाइल का इस्तेमाल हमारे सैनिकों पर करता है तो हम क्यों पीछे होंगे। हम भी अपने रॉकेट या मिसाइल दुश्मन के बेड़े पर दागेंगे ताकि दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सके। और इस मिसाइल को दागने के लिए, रॉकेट्स को दागने के लिए हमारे पास होगी रॉकेट फोर्स, जिसका काम होगा युद्ध के समय इतना रॉकेट या इतना मिसाइल दागना कि दुश्मन को जरा भी मौका ना मिले जवाबी कार्रवाई करने का। हम आपको बता दें कि अब तक भारत के पास सिर्फ 3 ही फोर्स मौजूद हैं और वो फोर्स हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, यानी भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना। मगर भारत के इस फोर्स के आ जाने के बाद इंडियन आर्म फोर्स में एक और फोर्स जुड़ जाएगा जो होगा इंडियन रॉकेट फोर्स। इसका काम भारत के पास मौजूद सभी मिसाइलों की जरूरत पड़ने पर दागना होगा। जैसे भारत की थल सेना जमीन पर मौजूद दुश्मन को करारा जवाब देती है, जैसे भारतीय वायुसेना हवा में दुश्मनों का सामना करती है और भारतीय नौसेना समुद्र से आने वाले खतरों से निपटती है, वैसे ही भारत की भारतीय रॉकेट सेना मिसाइल द्वारा दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगी। भारतीय रॉकेट फोर्स भारत के लगभग सभी मिसाइलों को दागने की क्षमता होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक भारत के 80% मिसाइलों को इंडियन आर्मी हैंडल करती है, मगर आने वाले महज कुछ सालों में भारत के सभी मिसाइलों को दागने के लिए एक फोर्स होगी, जिसका काम दूर कहीं कमरे में बैठकर दुश्मन पर मिसाइल दागना होगा। दोस्तों भारत की यह रॉकेट फोर्स कितनी खतरनाक और शक्तिशाली होगी आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि इस फोर्स के कंट्रोल में पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, धनुष, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि 6 को भी दागने में सक्षम होगी भारत की रॉकेट फोर्स। इसके अलावा यह फोर्स भारत के सबसे घातक और दुनिया के सबसे तेज गति से मार करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस को भी दागने में सक्षम होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के पास भी रॉकेट फोर्स मौजूद नहीं है। साथ ही भारत के इस ऐलान से चीन और पाकिस्तान को दबा के मिर्च लगी है।
रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत का यह आइडिया युद्ध के नतीजों को बदल कर आपका क्या कहना है रॉकेट फोर्स के बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में तो देखा जाए लास्ट में उन्होंने जो बोला कि अमेरिका तक के पास अपनी कोई रॉकेट फोर्स नहीं है, तो यहाँ से तुम लोग अंदाजा लगा लो इंडिया को कितना ज्यादा एडवांटेज देने वाले, बहुत ज्यादा फायदा मतलब। और इसके अंडर कौन कौन सी मिसाइल्स होंगी वो तुमने सुना है, सारी 1, 2, 3, 4 अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, 6 सूर्य हुआ तो वो भी, ब्रह्मोस हुआ तो वो भी, सारे मतलब हर कोई वाला जो मतलब जो पावरफुल मिसाइल है वो इनके अंडर होगा, और मतलब डिफेंस सिस्टम भी इनके अंडर होगा। और मुबशर एक तुझे मैं बेस्ट चीज बताऊं, जंग अगर होती है बेस्ट चीज है, क्योंकि बकाया सबका टैंक मतलब एक हर बंदे को मतलब अपने अपने मतलब कमान दे, बस इनका काम होगा रॉकेट दागना भाई, तुम लोगों को जितने दागने दाग मतलब वो छोटा ऑर्डर इनको मिलेगा और ये अपने लिहाज से करेंगे, मतलब ऑर्डर मिलता तब भी कोई हर किस्म का जहाज जो मिसाइल इनकी अपनी होगी। और मुबशर इसमें कोई शक नहीं, देख बकाया और लड़ेंगे, इनका एक अलग चीज होगी। और आर्मी अपना काम करती है, एयरफोर्स अपना काम करती है, नेवी अपना काम करती है, अपना काम ये अपना काम, तो मतलब एक वो जो बर्डन ही पड़ेगा, बर्डन था जो मतलब 80% मिसाइलों का वो यूज करती थी, तो वो भी कम हो जाएगा, तो एक अच्छी जगह पे एक वो मतलब लग जाएगा। और अमेरिका तक के पास ये नहीं है। और यार मुबशर इंडिया दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने एक न्यू फोर्स जिसके पास, और यार मैं सुनू तो मैंने खुद फर्स्ट टाइम सुनी, मैंने मतलब बहुत न्यू है ना, न्यू ही है, आज तक नहीं सुना। इंडिया पहला ऐसा देश दुनिया का बन चुका है, और आने वाले कुछ समय में देखना अमेरिका भी ये लॉन्च कर देगा, रशिया सारे देश लॉन्च कर देंगे। इंडिया ने किया तो चाइना भी पीछे पीछे करेगा, जाहिर बात है चाइना के पास दुनिया करेगी, तो और भी कंट्रीज करेंगे, अमेरिका रशिया ये सारे करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई नहीं, और ये मुझे काफी पावरफुल फोर्स लगी उस लिहाज से देखा जाए, बहुत बेस्ट होगी सब कुछ चीज। IRF जिस तरह तूने बोला इंडियन रॉकेट, IAF जिस तरह इंडियन एयरफोर्स है, मतलब नेवी का भी नाम रखा होगा इंडियन रॉकेट फोर्स, बहुत कमाल यार। मैं कहता हूँ इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत नेक्स्ट डिफेंस मजबूत होगा, डिफेंस मजबूत हो, वॉर हो ना हो, अपने आप को रेडी रखना, कोई शक नहीं है। हाँ तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा, और आप रॉकेट फोर्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।